दलालों की सरकार नहीं चलेगी, कोटिपतियों की सरकार नहीं चलेगी, अपराधों की सरकार नहीं चलेगी, अपराधों की सरकार नहीं चलेगी, भ्रष्टाचारियों की सरकार नहीं चलेगी, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, घोटाला करने वाले लोग देश को करोड़ों रुपए का चूना लगाकर फरार हो रहे हैं। वही तेल प्रचार पर फरार होने वाले घोटाले वालों को संरक्षण दिए जाने के भी संकेत निरंतर मिल रहे हैं, क्योंकि घोटाले वालों के विरुद्ध केंद्र सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। और इसके विपरीत घोटालों और घोटाले वालों को बचाने और छुपाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के नेता तथा मंत्री मीडिया के माध्यम से ऐन केंद्र सरकार जनता को गुमराह कर रहे हैं तथा जैसा जैसे वह घोटाले बाद जनता जनता गुमराह कर रहे हैं और जैसे केंद्र सरकार के नेता तथा मंत्री मीडिया के माध्यम से ऐन केंद्र सरकार जनता को गुमराह कर घोटालों से ध्यान हटाने का स्पष्ट प्रयास करते रहे। जो पीएनबी का घोटाला हुआ है और जिसमें पूरी तरीके से ये साफ हो चुका है कि नीरव मोदी का हाथ है और नीरव मोदी को भगाने में 100% निश्चित रूप से हमारे राहुल गांधी ने भी अपने ट्वीट में लिखा है और सारी कांग्रेस ने बोला है उस दिन से जब से घोटाला हुआ है कि इसमें उसको भगाने को जैसे माल्या को भगाया गया और ललित मोदी को भगाया गया, इसी तरीके से इसको भी भगाने में, यानी कि पहले उसका परिवार जाता है उसके बाद वो जाता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सरकार पूरी तरीके से इसमें इन्वॉल्व है। हम पूरे कांग्रेस जन बधाई बरेली जनपद के मांग करते हैं कि ऐसी केंद्र सरकार को भंग किया जाए और इसके खिलाफ मुकदमा कायम किया जाए, सीबीआई इसकी जांच करे। घोटाले दर घोटाले हो रहे हैं। हमारे राष्ट्रनायक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय श्री राहुल गांधी जी ने इन घोटालों का पर्दाफाश लगातार करते रहने के लिए भारत सरकार को चिताया, लेकिन भारत सरकार सारे घोटालेबाजों को संरक्षण दे रही है। मजबूरन उन्होंने सारे प्रदेश कांग्रेस कमेटियों को निर्देश दिया है। हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय श्री राज बब्बर साहब के निर्देश में और ये हमारे प्रभारी ठाकुर ओमकार सिंह जी हमारे बीच में आए हुए हैं इस कार्यक्रम के उसके लिए देखरेख के लिए। हम यहाँ पर धरना देकर ये मांग करते हैं कि भारत सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी की सरकार है, उसको बर्खास्त किया जाए और सीबीआई के जांच के आदेश दिए जाएं कि जो है सारे घोटालों का पर्दाफाश होना चाहिए।